खट्टर सरकार ने गरीब विद्यार्थी, गरीब के बेटा बेटी के डॉक्टर बनने के सपने को चूर चूर कर दिया है, तोड़ दिया है। नया तुगलकी फरमान, सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की फीस 40 लाख करने का है और इससे खट्टर दुष्यंत सरकार का युवा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। देश में भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़े भी ये बताते हैं कि देश में बेरोजगारी की दर हरियाणा में आज भी सबसे अधिक है, 33.5%। किसी भी सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने की बात है। गरीब विरोधी खट्टर सरकार है। गरीब अब की बार गरीब पर मार, अब की बार डॉक्टरी की पढ़ाई गरीब की पहुंच से बाहर, ये इनका नारा है। और इससे बड़ा जो ये आदेश इन्होंने जारी किया है, इससे बड़ा तुगलकी फरमान ये खट्टर सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। और अगर सरकार ही दलाली करने लग जाएगी, रक्षक भक्षक बन जाएंगे, सरकार गरीब को दाखिला देने से इनकार कर देगी, सरकार मुनाफा कमाएगी, तो फिर लोगों का ख्याल कौन करेगा? सवाल सीधा ही। धन्यवाद। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष मुद्दा मैं आपके बीच में लेकर उपस्थित हूं, जो हरियाणा के युवाओं की जिंदगी से जुड़ा है, विशेष तौर से हरियाणा के अनुसूचित जाति के साथियों, उन वहां के युवाओं, पिछड़े वर्गों के युवाओं और हरियाणा के गरीब जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा है। खट्टर सरकार ने गरीब विद्यार्थी, गरीब के बेटा बेटी के डॉक्टर बनने के सपने को चूर चूर कर दिया है, तोड़ दिया है। नया तुगलकी फरमान, सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की फीस 40 लाख करने का है और इससे खट्टर दुष्यंत सरकार का युवा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार ने तुगलकी फरमान से हरियाणा के गरीब विद्यार्थियों के डॉक्टर बनने के सपने को तोड़ दिया है। सच्चाई ये है कि खट्टर सरकार आए दिन एक नया युवा विरोधी कदम उठाकर हरियाणा में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और गरीबों के बेटा बेटियों पर नित नया प्रहार कर रही है। अभी तक SC छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पूरी नहीं हो पाई। वर्षों से चल रही इस जांच में कोई दोषी ही नहीं पाया गया। जांच पूरी होकर दोषियों को सजा देने की बजाय अब अनुसूचित जाति के बच्चों का जो वजीफा है उसे ही बंद कर दिया गया। यही नहीं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 14 से अधिक पेपर लीक घोटाले हुए, जिस पर आज तक ना तो किसी को सजा मिली ना कोई दोषी पाया गया। हरियाणा के लाखों बच्चों का भविष्य जरूर अंधकार में चला गया। पहले खट्टर सरकार ने, दुष्यंत चौटाला सरकार ने युवाओं की नौकरियों पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। आपने देखा कि किस प्रकार से युवाओं ने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने जोर से विरोध किया। बाद में खट्टर साहब ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में उस प्रतिबंध की बात को तो वापिस ले लिया, पर सच्चाई ये है कि आज तक हरियाणा में नई नौकरियों की भर्तियां शुरू ही नहीं की। उल्टा लॉकडाउन और उसके बाद 10,000 से अधिक कच्चे और डेली वेज पर काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरियां निकाल दी, जिनकी व्याख्या एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग वाइज मैंने आपको दी थी। देश में भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा में है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़े भी ये बताते हैं कि देश में बेरोजगारी की दर हरियाणा में आज भी सबसे अधिक है, 33.5%। किसी भी सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने की बात है, क्योंकि हरियाणा देश के सबसे युवा राज्यों में से एक है।
दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेज की फीस बेतहाशा बढ़ाई गई। लॉकडाउन के दौरान भी स्कूल कॉलेज बंद रहे, परंतु विद्यार्थियों से पूरी फीस ली गई और माँ बाप को मजबूरन वो फीस देनी पड़ी। खट्टर सरकार ने कोई दखलअंदाजी इसमें नहीं की। अब जो खट्टर सरकार का ताजा तुगलकी फरमान है, उसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों, पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों और गरीब के बेटा बेटी को पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है। आइए इसके बारे में सिलसिलेवार चार तथ्य जानते हैं। पहला, हरियाणा में आज तक सरकारी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई 53,000 रुपया सालाना थी। लगभग 15 से 20 हजार रुपया उसके ऊपर हॉस्टल और मेस का खर्चा 5,000 रुपया आ जाता था। इस प्रकार से कुल पढ़ाई हरियाणा में मेडिकल कॉलेज में MBBS यानी डॉक्टर बनने के लिए 3,00,000 रुपया थी। खट्टर सरकार ने ताजा हुक्मनामा जारी कर इस पढ़ाई को 10,00,000 रुपया सालाना यानी 4 साल में 40,00,000 रुपया कर दिया है। और इस बारे में 6 नवंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको अलग से जारी कर रहा हूं। इससे बेवकूफाना और छात्र और युवा विरोधी आदेश कोई हो ही नहीं सकता, पर इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसका खुलासा मैं अभी आपको करूंगा। दूसरा, अब हर विद्यार्थी को 3,71,280 रुपया फीस 4 साल में MBBS डॉक्टर बनने की देनी पड़ेगी और 36,28,720 रुपया लोन चुकाना पड़ेगा। यह इस नोटिफिकेशन में लिखा है। इस प्रकार ये राशि कुल 40,00,000 रुपया होती है, पर असली में अगर 7 साल के लोन पे 6% का ब्याज लगाएं तो ये राशि लगभग 55,00,000 रुपया बनती है। यानी अब मेडिकल कॉलेज में 4 साल की पढ़ाई के 40,00,000 नहीं 55,00,000 रुपया ब्याज सहित अदा करने पड़ेंगे। क्या गरीब का बेटा या बेटी इतना पैसा चुका पाएगा? शायद वो अपना घर और पूरा सामान बेच दे तो भी असंभव होगा। तीसरा, हरियाणा में निजी कॉलेज जो है मेडिकल, बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी फीस 15 से 18,00,000 रुपया सालाना है। गरीब विद्यार्थी ये नहीं दे सकते, अनुसूचित जाति के बच्चे ये नहीं दे सकते, पिछड़े वर्गों के बच्चे ये नहीं दे सकते, सामान्य गरीब व्यक्ति का बेटा या बेटी ये नहीं दे सकता, इसलिए वो मेडिकल कॉलेज की ओर रुख करते थे। पर अब प्राइवेट कॉलेज में 15 से 18,00,000 4 साल की MBBS की पढ़ाई होगी और सरकारी में ये 55,00,000 रुपया होगी 4 साल की। नंबर 4, नतीजा साफ है, गरीब के बेटा बेटी अब सरकारी मेडिकल कॉलेज में हरियाणा में MBBS डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला मिलकर इन सबको निजी मेडिकल कॉलेजेस की ओर धकेल रहे हैं, जहां पहले से ही फीस 18,00,000 रुपया तक है, क्योंकि 55,00,000 के मुकाबले में 18,00,000 कम है, तो वो मजबूरन वहां जाएंगे और 18,00,000 के साथ एक अंडर द टेबल कैपिटेशन फीस भी वसूली जाएगी। यानी गरीब पिस जाएगा या गरीब का बेटा या बेटी डॉक्टर बनने का सपना छोड़ ही देगा। खट्टर सरकार का ये निर्णय युवा विरोधी है, गरीब विरोधी है, प्राइवेट कॉलेजेस की मदद के लिए है और सरकारी कॉलेजेस पर एक तरह से ताला लगाने वाला है। इस षड्यंत्रकारी फैसले को हमारी मांग है कि बगैर किसी देर के फौरन वापस लिया जाए। खट्टर सरकार ने, आपने देखा, लॉकडाउन में जब जब पूरा विरोध हुआ तो आखिर में उन्हें मुंह की खानी पड़ी और जनता के विरोध पर निर्णय वापस लेना पड़ा। इस तुगलकी फरमान को भी वापस लिया जाए। अगर खट्टर सरकार ये नहीं लेती तो हम जन आंदोलन भी करेंगे, छात्रों को इकट्ठा भी करेंगे। मैं स्वयं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा शैलजा जी, हमारे CLP के नेता और हमारे सब नेताओं को हम इकट्ठा कर सरकार के खिलाफ धरना भी देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे
कि या तो ये आदेश वापिस हो और नहीं तो खट्टर सरकार को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, ऊपर मोदी जी जुमले बांटते हैं और नीचे आदरणीय खट्टर साहब जुमले बांटते हैं। ना मोदी जी का कोई वादा पूरा हुआ, ना खट्टर साहब का हुआ। आज चौथी बरसी है नोटबंदी की। मैं अगर एक उदाहरण दूं, बताइए, मोदी जी ने तो कहा था कि 21 दिन के अंदर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उग्रवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा और सब कुछ साफ और पारदर्शी हो जाएगा। पर देश में नकदी का प्रचलन तो 50% 4 साल में और ज्यादा बढ़ गया। देश में जो नकली नोट पकड़े जा रहे हैं वो 2.5 गुना और बढ़ गए। ना नक्सलवाद खत्म हुआ, ना उग्रवाद खत्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर बहुत सारी संपत्तियां खरीद ली और वो हरियाणा में भी खरीदी। अगर आप पानीपत से शुरू कर दें और मोरनी तक चले जाएं तो आपको वो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। सच्चाई ये है कि गरीब विरोधी खट्टर सरकार है। गरीब अब की बार गरीब पर मार, अब की बार डॉक्टरी की पढ़ाई गरीब की पहुंच से बाहर, ये इनका नारा है। और इससे बड़ा जो ये आदेश इन्होंने जारी किया है, इससे बड़ा तुगलकी फरमान ये खट्टर सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। क्योंकि आप ये पाएंगे कि आज जो 18 लाख फीस है, मैं फिर दोहराता हूं, जैसे प्रदीप जी ने भी पूछा था, ये 18 लाख फीस बहुत जल्द 25 लाख हो जाएगी। क्योंकि जब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस 40 लाख जमा ब्याज लेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फीस बढ़ाने से इनकार कौन करेगा। और अगर सरकार ही दलाली करने लग जाएगी, रक्षक भक्षक बन जाएंगे, सरकार गरीब को दाखिला देने से इनकार कर देगी, सरकार मुनाफा कमाएगी, तो फिर लोगों का ख्याल कौन करेगा। सवाल सीधा ये। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।